बहुत सारे दोस्तों मल्टीपल स्पीकर टेस्ट करने के बाद, उनका रिव्यू करने के बाद और उनको मल्टीपल अदर स्पीकर्स के साथ कंपेयर करने के बाद, अब मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन दे सकता हूँ कि अगर आपको एक प्लीजेंट आवाज़ चाहिए, वोकल क्लैरिटी चाहिए, सुकून चाहिए, आँख बंद करके म्यूज़िक को इंजॉय कर सको, कमेंट्री देख सको, न्यूज़ देख सको या मूवीज़ देख सको, डायलॉग क्लैरिटी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ऐसे 5 सिस्टम कौन से हैं अकॉर्डिंग टू मी। मैंने अभी तक जो सिस्टम सुने हैं 25, 30, 35, उनकी सुनने के बाद आपको उनमें से 5 सिस्टम ऐसे दोस्तों बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो मैं 5 सिस्टम बता रहा हूँ, उनके नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और इनके साउंड टेस्ट वीडियो या कंपैरेटिव वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है कि सिस्टम का नाम डालना है, आगे VFM लगाना है, बात ख़त्म। आज मैं दोस्तों जो आपको 5 सिस्टम बताने वाला हूँ, उनके कॉन्स भी हैं, प्रोज भी हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं स्पेसिफिकेशन ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी एंड आई डोंट वॉन्ट दैट, यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट दैट। ओके, आज आपको दोस्तों 5 स्पीकर बताने वाला हूँ, इसमें से तीसरा मेरा फेवरेट है, तीसरा तो मेरी तबाही है, मतलब क्या बताऊँ, तीसरा एकदम तबाही है। मेरा फेवरेट क्यों है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो नंबर 1 से दोस्तों स्टार्ट करें। नंबर 1 पे दोस्तों वो स्पीकर है जो जिसका बजट अगर 4000 रुपीस के आसपास है, जिसको वोकल से मतलब है, उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेस पुश्ड नहीं चाहिए, सिस्टम लाउडनेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, डिटेल्ड एंड क्रिस्प क्लियर वोकल चाहिए, ओबेज GT21। मेरे शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों, मैं हम बोला डिटेल्ड वोकल्स, यहाँ बहुत हाई फाई स्मूथनेस एक्सपेक्ट मत करना, वोकल्स क्लियर हैं, ओपन है बहुत ज़्यादा, घुटे हुए वोकल्स नहीं लगेंगे आपको किसी भी कीमत पे। वोकल्स में और बेस में बहुत अच्छा सेपरेशन है, मैच नहीं होते हैं आपस में, मिक्स नहीं होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड सुनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हैवी बेस चाहिए, डोंट बाय इट। बेस काफ़ी बैलेंस है, ना तो बहुत ज़्यादा डीप है, अपर बेस काफ़ी कंट्रोल है, ये अच्छी चीज़ है, इस सिस्टम को आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। एक चीज़ हाँ दोस्तों, मैं आपको और बता दूं कि जब मैंने ईयरफोन्स सुनी ना, अभी मैंने ईयरफोन्स की वीडियो बनाई थी under 500 under 1000, जैसे जैसे ईयरफोन्स के लेवल बढ़ता गया, मतलब प्राइस बढ़ता गया, क्वालिटी बढ़ती गई, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जैसे जैसे आप भी खुद भी जिस चीज़ को महसूस करना कि जैसे आप ईयरफोन का लेवल बढ़ाओगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मिड्स में आपको जो क्वालिटी मिलेगी वो पता है कैसे मिलेगी, मिड्स आपको अलग से समझ में आएंगे, बेस का और उसका बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। एक जो छोटे ईयरफोन्स हैं under 500, उसमें आपने देखा होगा मिड्स किस तरीके से बेस के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, या फिर अपर मिड्स और अपर बेस आपस में मैच कर रहे होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 5 स्पीकर, इनमें नहीं मिलेगी आपको ये प्रॉब्लम, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वोकल्स आपको एकदम अलग से समझ में आएंगे, नॉट टेंशन। दूसरे नंबर पे दोस्तों तबाही, लॉजिटेक Z906। अभी उसका प्राइस लोगों ने कमेंट किया कि यार 84,000 85,000 पहुँच गया है, वो दूसरा प्राइस है, रियल प्राइस मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ये वाला प्राइस लेना 27,000 से 28,000, ये भी बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ साल, 1-2 साल पहले 18,000 रुपये था, लेकिन जो वर्ल्ड में कंडीशन बन रही है, एक के बाद एक कोरोना, इन्फ्लेशन, रशियन यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, आप सब अवेयर होंगे सब चीज़ों से, तो कंडीशंस हैं ऐसी दोस्तों, ठीक है, तो इन्फ्लेशन तो ज़्यादा है उस हिसाब से, बट इस प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी है। इसकी मिड्स की मैं बात करूँ, मिड से पहले चलो बेस की बात कर लेता हूँ, इसके ऊपर इतनी सारी वीडियोज़ बनी हुई है ना यूट्यूब के ऊपर, इवन फॉरनर्स ने भी वीडियो बनाई हुई है और वो उसका बेस टेस्ट कर रहे हैं अजीब अजीब तरीके से, कोई अपने शीशे दरवाजे हिला रहा है, कोई कुछ। बेस तो दोस्तों इसका ऐसा है कि आपके घर नहीं पड़ोसी तक भी महसूस कर लेंगे, बेस में नो डाउट क्लियर है, बिल्कुल नो डाउट, बेस चाहिए तो आग बंद करके ले लो यार, मतलब ऐसा। और फिर सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, बेस डीप के साथ सॉफ्ट भी है, हार्ड नहीं है बहुत ज़्यादा कि आपको हिट कर रहा है, तंग कर रहा है, नो। लेकिन मिड्स की कोई बात नहीं करता, एक एक मिड्स का पता है आपको स्पीकर का जो वेट है, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है जरूर देखना, और सोनी के साथ कंपेयर किया हुआ है, 750 ग्राम का मिड, मतलब इसका जो सैटेलाइट स्पीकर उसका वेट है, खैर वेट से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी दोस्तों मिड्स की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्लीन मिड्स जिसको चाहिए, यानी कि मिड्स के अंदर जो एक ट्रैवल मिक्स होता है वो सिबिलेंस, एक्स्ट्रा ट्रैवल या एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस नहीं चाहिए, या फिर मिड्स बहुत ज़्यादा भारी नहीं चाहिए, है ना, ऐसा होता है कि जैसे किसी भारी सिंगर की आवाज़ है तो गूंजती है वो कमरे में, वो नहीं चाहिए, एकदम दोस्तों क्लोज टू नेचुरल मिड्स हैं। डायलॉग क्लैरिटी है ज़बरदस्त, अब तक मैंने जो सिस्टम सुने हैं उसमें नंबर 1 दोस्तों अगर मुझे केवल मिड्स के लिए चुनना हो तो लॉजिटेक Z906। और बहुत अजीब चीज़ ये है कि मिड्स के बारे में किसी ने यूट्यूब पर ज़्यादा बात ही नहीं किया, मिड्स बहुत सुपर हैं दोस्तों एंड ऑल्सो वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ। ओके, डिटेलिंग ज़्यादा नहीं मिलेगी, स्मूथनेस है लेकिन बहुत अच्छी काफ़ी।
तो एक इसका दोस्तों सिस्टम का प्लस पॉइंट ये भी बोल सकते हो आपकी डॉल्बी को सपोर्ट करता है, डॉल्बी डिजिटल को 5.1 का जो एक्सपीरियंस है लाजवाब है। मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है स्पेसिफिकेशन सब, उसमें आप देख लेना। कौन से दोस्तों मैं आपको बताऊँ, HDMI ERC नहीं है, हाइज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्लैरिटी जो मिड्स में आते हैं उनकी तो अच्छी मिलेगी, लेकिन जो हाइज के अंदर लाई करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स या उनकी हारमोनिक्स वो आपको अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो को बता दिया था, मिड्स की बात हो रही है, वोकल्स की बात हो रही है, जिन लोगों का वोकल्स लिरिक्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है, सिंगर की आवाज़ पे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान होता है। ओके दोस्तों मेरा फेवरेट नंबर थ्री दिन जल्दी कैसे बताते हैं, नंबर फोर पर बात करते हैं, नंबर थ्री बताऊंगा मैं जल्दी। नंबर फोर है दोस्तों पैनासोनिक का SC ST 460 GWK 4.1 सिस्टम है, 100 वॉट का, पूरी स्पेसिफिकेशन साउंड टेस्ट इसकी भी अवेलेबल है चैनल पे, स्पीकर का नाम डालना VFM डालना मिल जाएगा। बहुत अंडररेटेड सिस्टम है दोस्तों ये, इससे पहले जो दो सिस्टम्स बताए हैं ना, दो क्या मतलब इवन पाँचों सिस्टम बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि रेटिंग देख के पता चल जाता है कि लोगों ने मतलब कितना परचेज किया होगा इन सिस्टम्स को, तो जितना परचेज करना चाहिए उतना नहीं हो पाई ये सिस्टम, पता नहीं क्यों। खैर जो भी रीज़न हो, लोगों को शायद कुछ और पसंद हो। देखो अगर आप चाहते हैं कि मिड्स अच्छी हो, डेफिनेटली मिड्स अच्छे हैं, ओपन है, काफ़ी क्लियर है, एट वन कंडीशन, ट्रैवल को दोस्तों आप इसमें बहुत कम रखना, ठीक है, क्योंकि ट्रैवल इसमें ज़बरदस्ती का ठूसा गया है, वो हार्श ट्रैवल है, इसलिए उसको कम रखना। बेस दोस्तों काफ़ी एक थम्पिंग बेस है, बहुत ज़्यादा ओवरऑल सिस्टम लाउड नहीं है, पर डिसेंट सिस्टम है, और किसी को ब्रांड से लेना देना हो, ब्रांड वैल्यू चाहिए पैनासोनिक, तो आप सिस्टम को बिल्कुल ले सकते हैं, या आपको सेल में अंडर 8000 ईजिली मिल जाएगा। ये मुझे लगता है सोनी D40 का एक ट्रू कॉम्पिटिटर है, इवन सोनी D40 को वोकल्स क्लैरिटी के मामले में ईजिली बीट कर देगा, बेस के मामले में डेफिनेटली सोनी D40 ज़्यादा इससे, लेकिन साइड बाई साइड आप कंपेरिजन करोगे आप ईजिली महसूस कर सकते हो कि सोनी D40 से अच्छे हैं दोस्तों इसके वोकल्स मतलब सुपर्ब हैं, नो डाउट काफ़ी ओपन हैं, घुटे हुए नहीं हैं, उनमें बेस मिक्स नहीं होता है, समझने में आपको कोई ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक पता है एक बुरी स्पीकर की पहचान होती है, मतलब गंदे सिस्टम की, कि वोकल्स को समझने के लिए कानों को फोकस करना पड़ रहा है यार वहाँ पे। लेकिन जो अच्छे सिस्टम्स होते हैं जिसमें वोकल्स बिल्कुल बेस से अलग होते हैं, बेस मिक्स नहीं हो रहा या फिर हार्शनेस नहीं है, तो अलग ही दोस्तों उनमें कोई फोकस ही नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक कान में वो जाते हैं और उसके बाद आप इन्जॉय करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन जिस सिस्टम के दोस्तों मतलब ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं है, यू नो। अब दोस्तों चलते हैं पांचवें सिस्टम पे, उसके बाद मैं अपना फेवरेट सिस्टम बताऊंगा। पांचवा सिस्टम है दोस्तों फिलिप्स का MMH 2220B। इस सिस्टम का बेस काफ़ी हार्ड है, ऐसे मैंने बोला हुआ है, ठीक है, वीडियोज आप चेक करोगे, लेकिन वो हार्ड है दोस्तों एक लेवल के बाद, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम आप बढ़ाओगे उसकी तो आपको हार्ड लगेगा, वो मीडियम वॉल्यूम पर सुनते हो वोकल्स के स्मूथनेस का जवाब नहीं दोस्तों यहाँ फिलिप्स, मतलब वोकल्स के मामले में रियली में जो एक फिलिप्स का अपना जो वोकल देता है ना, वो थिक एंड स्मूथ वोकल्स, वो डेफिनेटली सबको पसंद आते हैं जो मतलब वोकल्स की थोड़ी पहचान रखते हैं, जिनको इस टाइप के वोकल्स चाहिए, तो वोकल्स दोस्तों बड़े स्मूथ हैं, क्लियर हैं। डायलॉग क्लैरिटी एक नंबर की है, बहुत ज़्यादा डीप बेस के शौकीन हो तो दोस्तों सिस्टम को मत लेना, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और जो मैं आपको हार्ड बेस की जो बात बता रहा हूँ ना, बेस वो हार्ड लगता है काफ़ी हार्ड, के साथ साथ वो टाइट भी है और वो ज़्यादा वॉल्यूम पर है, अदरवाइज़ का जो साउंड सिग्नेचर आप देखोगे ना तो मिड से नीचे ही मिलेगा आपको बेस, इसका बेस इतना कम है, ठीक है। लेकिन डायलॉग क्लैरिटी एक नंबर की, और लुक वाइज दोस्तों ये तो मेरा फेवरेट है यार, मतलब अगर मुझे लुक वाइज अगर सारी चीज़ें हटा दूँ, मैं लुक पे वैसे ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, तो ये सिस्टम दोस्तों लुक बड़ा ज़बरदस्त है इसका, प्राइस अंडर 12,000 आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन के ऊपर, इन सभी के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ड्रॉबैक दोस्तों इसका यह है कि ऑप्टिकल तो है इसके अंदर, HDMI ERC का सपोर्ट नहीं है, तो अगर आपके लिए ये इश्यू नहीं है तो ऑप्टिकल के साथ टीवी के साथ कनेक्ट कीजिए और फिर देखिए फिलिप्स का कमाल। अब दोस्तों मेरा फेवरेट नंबर थ्री, और ये मेरे फेवरेट क्यों है पता है, एक तो बजट के अंदर आता है, अंडर 10,000 आपको मिल जाएगा और सेल में हो सकता है उससे भी कम मिल जाए। उसी वजह दोस्तों मैंने जितने भी सिस्टम यूज़ किए इतनी सॉफ्ट बेस मैंने नहीं सुनी आज तक, इतना सॉफ्ट बेस है कि ना तो आपको पंच देगा ना आपको हिट करेगा, आपको कानों में भी नहीं लगेगा, बस एक फील होता रहेगा, मतलब इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ, वोकल्स आल्सो वेरी थिक एंड स्मूथ, हाइज कंट्रोल्ड हैं, मतलब लाजवाब दोस्त सिस्टम है, और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी है, मतलब आपको लगेगा कि नहीं है इतना छोटा सा इसका जो सबवूफर है इतना अच्छा बेस कैसे निकल रहा है, शायद 6.5 इंच का सबवूफर है इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों ड्रॉबैक ये है कि HDMI ERC दे देता, LG तो सही रहता, बट क्या करें नहीं है, है ना, हमारी फैक्ट्री में तो नहीं बनना है, तो ऐसा सिस्टम है दोस्तों ये। तो अंडर 10,000 आपको वोकल क्लैरिटी चाहिए, साउंड बार चाहिए टीवी के साथ, एक ब्लैक अच्छा फिनिशिंग वाला
साउंड बार चाहिए तो आप सिस्टम को ले सकते हो। ये कौन लगा दोस्तों मुझे इसको, ये सिस्टम को लेने के बाद डस्ट बार बार साफ़ करनी पड़ती है, मेटल ग्रिल वगैरह नहीं दी गई है सेफ्टी के लिए, तो ये मतलब एक ड्रॉबैक है। मतलब ये दो तीन चीज़ तो LG को करनी चाहिए थी, HDMI और एक मेटल ग्रिल देनी चाहिए थी, आई डोंट नो वाई, बट जैसा है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आपको LG को लेना है। तो जिसको दोस्तों बजट अंडर 10,000 है, स्मूथ वोकल्स चाहिए, बेस ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन क्वालिटी बेस चाहिए, क्वालिटी ए ग्रेड दोस्तों क्वालिटी, मतलब इस प्राइस रेंज में ऐसा बेस सॉफ्ट, मतलब उसका फ़ैन हो गया इसके बेस का दोस्तों। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या फिर आपके किसी दोस्त या शोरूम में मतलब कहीं हो जरूर इस सिस्टम को चेकआउट कीजिएगा। ओके तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट 5 स्पीकर्स की, आप बताना कि आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो, आपको सिस्टम इन 5 में से यूज़ कर रहे हो। मैंने यहाँ बात करी थी, मेरा इस वीडियो का जो टोटल फोकस था वोकल्स के ऊपर था, वोकल क्लैरिटी डायलॉग क्लैरिटी के ऊपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी आपका पूरा राइट है, इन 5 सिस्टम से आप डिसएग्री कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे, मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं आप पर्सनली, किसी भी सिस्टम के बारे में आप पूछ सकते हैं, और मैं डिफरेंट सिस्टम्स के साउंड सैम्पल्स अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए